टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नौकरानी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद वो अब वेंटिलेटर पर हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें लिखा था, हाय मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, मेरी अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिए, आप सभी को प्यार। फोटो में आप देखेंगे कि दिव्या हॉस्पिटल के बेड पर लेटी है और उनके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा है। फिलहाल दिव्या की मां उनका ध्यान रखने दिल्ली से आई हैं। दिव्या की मां ने ई टाइम से बात करते हुए कहा, दिव्या को पिछले 6 दिनों से बहुत तेज़ बुखार था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं दिल्ली से आई हूँ, मैंने फिर दिव्या का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जो काफ़ी गिरा हुआ था। वो अब वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत भी काफ़ी नाजुक है। अभी उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिव्या की मां ने यह भी कहा है कि दिव्या के पति फ्रॉड है। उन्होंने कहा, दिव्या का पति उसे छोड़कर चला गया और उसने दिव्या की हालत के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। बता दें कि दिव्या शो तेरा यार हूँ मैं पर काम कर रही थी और शो की टीम एक्ट्रेस की मदद करेगी। दिव्या की मां ने कहा है कि उनका बेटा शो के प्रोडक्शन हाउस के संपर्क में है और वो दिव्या के ट्रीटमेंट के लिए मदद करेंगे।